इसका कितना अहम रोल होता है किसी इंसान के बनाने और बिगाड़ने, किस अंदाज से ब्रेन वॉश किया गया इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में उन लोगों जिनकी निगाह में एक जानवर की जिंदगी की कीमत थी और एक मोमिन अहले बैत की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। आपको भी पता है वो तरीके अखबार में आ ही रहे, एक साथ बाकायदा ऑफिस खोल के बैठते हैं अफगानिस्तान, हर सुसाइड बॉम्बर को पहले एक सर्टिफिकेट देते अपना साइन करके और स्टैंप डाला कि मैं खुला इतने खुला गवाही देता कि जो कि ये राह खुदा में जान देने जा रहा इसलिए जन्नत में इसको इतने गज का एक प्लॉट अलॉट किया जाए और 72 हूरे इसकी खिदमत के लिए रखी और नीचे साइन होती है और स्टैंप करती और वो बाकायदा फोटो सेशन होता कि सुसाइड बॉम्बर्स को ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जिसके बाद उस जोश के साथ अपनी जान देने के लिए निकलते हैं। पहले आलम इस्लाम के छुपे हुए फिरते के बारे में कहा जाता कि वहां पे जन्नत के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, वो भी जिब्राइल के नाम खत लिखा जाता और चिट्ठी लिखी जाती है कि भाई जिब्राइल अपना वाला है इसको दे दे, लेकिन यहां पर अपना नाम लिखा जाता मैं खुला इतने खुला ये गवाही देता हूं कि चौके राह खुदा में जान दे रहा इसमें जन्नत में इसको इतना बड़ा प्लॉट दिया जाए और जन्नत में इसको इतनी दूर रहेगी और लेने वाला कितने फखर के साथ वो सर्टिफिकेट वसूल करता, वो तस्वीरें देखिए, वो उसकी क्लिप देखी। और जैसा अभी मैं पिछले हफ्ते ही जंग में खबर पढ़ रहा था कि पिछले महीने जो एक सुसाइड बॉम्बिंग का वाकया हुआ, अब उसने नाम नहीं लिखा, पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर आलिम उस सुसाइड बॉम्बर को अपनी गाड़ी में लेके पिशावर से इस्लामाबाद गए, इतने मशहूर और इतने बड़े आलिम के किसी की हिम्मत ही नहीं है कि उनकी गाड़ी को चेक किया जाए, और गाड़ी को लेके आ रहे हैं ड्राइवर भी बेहतरीन, लेकिन जगह जगह एकदम से गाड़ी लगाते एकदम से गाड़ी को उधर मोड़ा तो जो सुसाइड बॉम्बर बॉम्बर बैठा बेचारा वो दीवार से गाड़ी के खिड़की से टकरा गया, फिर इधर उसने पूछा कि हजरत हो क्या रहा, कहा तुम्हारे इस्तेमाल के लिए सड़क पे इतनी हूरे खड़ी हैं कि उनको बचाने के लिए अचानक मुझे ब्रेक मार के गाड़ी की साइड काटना पड़ा। उस बॉम्बर की हालत देखी, क्या खुशी से खेल उठा, इतनी हूरे रास्ते में खड़ी हैं, वो मेरी गाड़ी में कुचलना चाहें, उनको बचाने के लिए इस तरह से मैं गाड़ी चला। जितना आप हंस रहे हैं और हंसना चाहिए उतना ही वो लोग यकीन कामिल करते हैं, अच्छा इतनी हूरे आ गई। मगर सवाल यह पैदा होगा कि क्या इस तरह की ब्रेन वॉशिंग जिसका पूरा का पूरा राज एक लफ्ज में कि इतने ब्रेन वॉशिंग कब होती है, जिहालत। और एक हदीस में अक्सर पढ़ता रहता हूं और देखिए इस हदीस के जरिए मैं आज 21st सेंचुरी से एकदम से 6th सेंचुरी में जा रहा हूं, एक अक्सर मैं हदीस पढ़ता हूं, देखिए इस तरह का ब्रेन वॉश कितना वो आदमी जाहिल होगा जिसे कहा जा रहा है कि इस तरह गाड़ी काट काट के ले जाना पड़ रही है ताकि हूर कोई कुचल ना जाए, कितनी हूरे हैं, चूंटियां भी सड़क पे इस तस्वीर तादाद में नजर नहीं आ रही। वो भी कहता ठीक है भाई मुझे कोई लकड़ी और अंधी हूर नहीं चाहिए, अगर एहतियात से गाड़ी चलाइए ठीक ठाक हूर मेरे मुझे कयामत के दिन, लेकिन इस पूरे का राज क्या, एक नजर जहाल, इतना जाहिल मुसलमान को बना दिया गया। अब आइए देखिए एकदम से मैं कहां से छलांग लगा के कहां जा रहा।